एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीत तिवारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली तीन बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल जो कि बहुत ही इजी तरीके से आप बना लोगे और साड़ी के लिए तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल, जिसको हेयर स्टाइल बनाने नहीं आता वो भी ये बना लेगा, बहुत ही ईजी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेयर स्टाइल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर दूँ। जो मेरा पार्लर है वो मैंने बनवा भी लिया, बन रहा है पार्लर। जब पूरा बन जाएगा तो मैं फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मेरे पार्लर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो भी लड़के यहाँ पे कोर्स करती हैं पार्लर का, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपका, इसकी कंपनी 2020 में ही स्टार्ट हुई है, जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। एंड बेंगलोर में है इसकी कंपनी अभी फ़िलहाल में, ये बिहार में भी आ चुकी है। बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा पार्लरों से इन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया है और मेरा भी पार्लर रजिस्टर्ड हो चुका है। और आप लोग यहाँ से सीखेंगी तो ये इनका जो सर्टिफिकेट है, ये मतलब इनका जो ब्रांच है, जगह जगह पे ये अपना फैला रहे हैं। बेंगलोर में था, फिर कोलकाता में हुआ, बिहार में भी स्टार्टिंग में ही आया है। तो मैंने भी इससे इसके थ्रू ले लिया है। पूरा ऑल इंडिया इसका सर्टिफिकेट मान्य होगा, इसका तो होगा और कहीं भी आप अपना पार्लर खोल सकते हो ये सर्टिफिकेट के थ्रू। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसका एम फिक्सो ये कंपनी का नाम है। मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया इसलिए इसको उल्टा दिख रहा है ये। इन्होंने मतलब अपना अपने कंपनी के थ्रू मेरा पार्लर यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। सर्टिफिकेट है ये और ये प्रीत तिवारी ब्यूटी पार्लर का है। और तो बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। इनका जो भी कोर्स है उसको आपको जाके एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, जिससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि सर्टिफिकेट ऑल इंडिया मान्य होगा और कहीं भी आप आराम से पार्लर खोल सकते हो। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ एम फिक्सो कंपनी के थ्रू। और यहाँ पे देखिए एम फिक्सो का मोहर भी लग चुका है, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब मेरा पार्लर लीगली रूप से रजिस्टर्ड हो चुका। तो चलिए इसके बारे में तो बहुत बातें कर ली, हेयर स्टाइल स्टार्ट कर लेते हैं। हेयर स्टाइल मैं आज बहुत ही इजी बताऊंगी और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे आपके ऊपर। तो फर्स्ट जो हेयर स्टाइल है उसके लिए आपको अपने बालों को ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेना है, इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने ईयर टू ईयर पार्टिंग कर ली है बालों की। ओके, जो फ्रंट के हेयर हैं उनको अच्छे से यहाँ पे सिक्योर कर देंगे ताकि हमको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना हो। इसको मैं क्लचर की मदद से यहाँ पे सेट कर ले रही हूँ। जो बैक के हेयर हैं उनमें एक पोनी बनानी है, आपकी मर्ज़ी है आप पोनी कितना हाई रखना चाहते हो, कितना लो रखना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गई, मुझे खांसी वासी की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड इग्नोर इट। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पोनी बना ली है। ओके, पोनी मैंने बहुत ज़्यादा लो भी नहीं बनाई है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं बनाई है, और रबर बैंड की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। जो आपका डोनेट बन है उसको ले लेना है, सॉरी ये डोनेट बन है, इसको लेके यू पिन की मदद से इसको अपने पोनी के नीचे में जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ऊँचा करते हुए सेट कर लेना है। ओके, यहाँ पे भी एक यू पिन लगा लीजिएगा ताकि निकल ना जाए ये और हेयर स्टाइल अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है, बाकी सारे हेयर्स को बैक साइड में लेके जाना है। ओके, सारे हेयर को अच्छे से डोनेट को कवर करते हुए एक रबर बैंड लगाना है छोटा वाला। सारे हेयर को अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए यू पिन से डोनेट को अच्छे से हाइड कर लेना है। ओके, दो तीन यू पिन लगा लीजिएगा, बाकी अपने क्लचर को खोल देना है, अच्छे से कॉम कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कॉम कर लिया है अच्छे से और ट्विस्ट करके इसको आगे की तरफ पुल करना है इस तरीके से।
और टिकटक क्लिप या फिर बॉबी क्लिप से आप इसको सेट कर लीजिए। तो ये पफ बना लिया मैंने, और जो आपके बैक साइड में हेयर बचे हुए हैं उसको अच्छे से कॉम करते हुए डोनेट के ऊपर फैलाते हुए डोनेट के अंदर इंसर्ट करना है और यू पिन से सेट कर देना है। और ये हेयर स्टाइल का फाइनल लुक, इधर से लेयर्स निकाल देना है। आप चाहो तो यहाँ पे कोई हेयर स्टाइल को अच्छा लुक दिखाने के लिए यूपिंस वगैरह का, ये स्टोन वाले यूपिंस का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4 यूपिंस यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये पफ की वजह से आप पल्लू भी लोगे तो आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। हेयर स्टाइल में अगेन आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है अपने बालों की, और फ्रंट के हेयर सिक्योर कर लेने हैं ताकि आपको पोनी बनाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पोनी बना लिया है, बैक के हेयर्स को अच्छे से कॉम करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पोनी बना ले रही हूँ। ओके, जो हमने क्लचर फ्रंट पे लगाया था उसी क्लचर को मैं यहाँ पे पोनी के ऊपर जस्ट इस तरीके से सिक्योर कर दूँगी। बाकी बच्चे हेयर्स को नीचे की तरफ करके क्लचर को अच्छे से हाइड करेंगे, और यहाँ पे एक रबर बैंड लगा देंगे पतला वाला। ये भी हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारा लगेगा। बाकी सारे हेयर को ये अंदर की तरफ इंसर्ट हाइड करते हुए और यहाँ पे यू पिन से इसको सेट कर देंगे। ओके, वाओ। अभी जो आपका फ्रंट का हेयर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, इस साइड के हेयर को इधर ही छोड़ेंगे और इधर के हेयर को अच्छे से कॉम करेंगे। और जो हमने बन बनाया हुआ है अच्छे से इसको खींच लेंगे ताकि बीच से गैपिंग ना दिखे। इस तरीके से ले जाके ये जो हमारा बन है इसके चारों तरफ इस तरीके से लपेटेंगे और इसको यू पिन से सेट कर देंगे। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड के हेयर को लेना है, अच्छे से कॉम करना है। अगर आपके फ्लिक्स वगैरह कटे हैं तो हो सकता है कि आपका हेयर निकल जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत और वो भी और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। इस तरीके से लेके जाएंगे और दूसरी साइड से लाके इसको भी यू पिन से सेट करेंगे। और ये है सेकेंड बन का फाइनल लुक। जो आपके हेयर्स निकल रहे हैं उनको आप सिंपली अपने फेस पे इस तरीके से गिरा सकते हो। यहाँ से थोड़े थोड़े हेयर्स को खींच के थोड़ा सा पफ का लुक दे दीजिए,
तो ये साइड से निकल जाएगा तो और भी प्यारा दिखेगा। तो ये है सेकंड बन का फाइनल लुक। चलते हैं थर्ड बन हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में अपने बालों को पहले बीच से मांग निकालेंगे और ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस साइड से और इस साइड से इस तरीके से हेयर ले लेना है। ओके, और इसमें इसको हल्का सा पफ का लुक देते हुए। हल्का सा पफ का लुक देंगे, जिधर से आपका पफ अच्छा बनता हो आप उधर से बना लीजिएगा। तो ये हमारा पफ का लुक बन गया है। अभी आपको साइड से जो हेयर है इनको भी बैक साइड में इस तरीके से कॉम करते हुए लेके जाना है ऊपर की तरफ से। ओके, नीचे की तरफ से नहीं करना है, ऊपर की तरफ से इस तरीके से कॉम करके लेके जाएंगे। और जो हमने यहाँ पे पफ बनाया है इसके पास लाके यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे। ओके, इसी तरीके से सेम दूसरी साइड से करना है। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद से आपको सारे बालों को एक पोनी बना लेनी है। वाओ, इस तरीके से करने के बाद से सारे बालों को एक पोनी बनानी है। थोड़ा हाई में बना लीजिएगा। एक हॉल करना है इसके अंदर इस तरीके से, और सारे बालों को अंदर की तरफ से ऊपर की तरफ से लेके आना है और खींच लेना है। ओके, खींचने के बाद से आप चाहो तो नीचे में एक लचर ऐड कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, या चाहो तो डोनेट ऐड कर सकते हो। तो मैं डोनेट लगा देती हूँ क्योंकि डोनेट से थोड़ा सा कम्फर्टेबल रहते हैं। तो इस तरीके से डोनेट को लचर यू पिन की मदद से सेट करना है। ठीक है, दो तीन यू पिंस लगा लीजिएगा। उसके बाद से अच्छे से कॉम करना है। यहाँ पे एक रबड़ लगा लेना है। अच्छे से डोनेट को हाइड करते हुए रबड़ बैंड को अंदर की तरफ इन करते हुए। और इसको भी यूपिन से सेट कर लेंगे। और ये है हमारे थर्ड बन का फाइनल लुक। ये वाला बहुत ही बेस्ट रहेगा साड़ी के लिए।
जहाँ से लगे कि पफ आपका बिगड़ रहा है वहाँ से आप इस तरीके से खींच के दोबारा से ठीक कर सकते हो। वाह, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और जिसको भी मुझे इस सर्टिफिकेट के बारे में अच्छे से जानना हो तो मुझे इंस्टा आईडी पे वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।